कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कैसे? देखो, वेक्टर फॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस को कंसिडर करना। तो जितने हमने न्यूमेरिकल किए उसमें मैग्नीट्यूड निकालना सीखा और डायरेक्शन प्लस माइनस से हमने निकालने सीख ही ली। बस मेंशन करने का तरीका अजीब था, कभी ओ बी नाम दे दिया, कभी एक्स लिख दिया, कभी वाई लिख दिया। तो नॉर्मली फिजिक्स में ये चीज़ें चलती नहीं है। फिजिक्स में जो है क्या चलता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो वेक्टर के अंदर आप यूनिट कैप लेते हो जो कि डायरेक्शन को मेंशन करता है। तो फॉर्मल तरीका है वेक्टर फॉर्म का, जिसमें सपोज एक्स और वाई एक्सिस, आप दो पॉइंट चार्जेस लें। पहला पॉइंट चार्ज है क्यू वन, दूसरा पॉइंट चार्ज है क्यू टू। इनके बीच में डिस्टेंस है आर, दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्यू वन ने क्यू टू को रिपेल किया और क्यू टू ने क्यू वन को रिपेल किया, तो दोनों फोर्सेस बाहर की तरफ बनेंगी। नाम रखने, नाम रख दो। क्यू वन ने क्यू टू को रिपेल किया विद द फोर्स ऑफ एफ टू वन वेक्टर। टू वन वेक्टर का मतलब है टू क्यू टू पे फोर्स लगी, किसने लगाई, क्यू वन ने। और ऐसे इसका नाम रख दो एफ वन टू वेक्टर, तो मतलब क्यू वन पे फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई। याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनके नाम कैसे भी रख सकते हैं। इनके नाम एफ वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर रख सकते हैं, इनका नाम p वेक्टर, q वेक्टर। देखो कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि यही नाम होगा, वेक्टर का कोई भी नाम होगा। जो भी नाम रखेंगे वहां मेंशन कर देना कि f12 वेक्टर का मतलब q1 के ऊपर फोर्स लगी, q2 ने लगाई, और 21 वेक्टर का मतलब q2 पे फोर्स लगी और q1 ने लगाई। लिख दिया। इनके बीच में डिस्टेंस r है। तो अगर मैं सिंपली वेक्टर को छोड़ूं और मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड इनके बीच में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, डन, क्लोज। अगर वेक्टर के चक्कर में ना पड़े और मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, डन। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की जगह डायरेक्शन भी पूछी जाए तो एफ वन टू वेक्टर, अब जिसके ऊपर वेक्टर लग जाए उसके मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होती है। फिजिक्स में डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का तरीका आई कैप, जे कैप, के कैप रहता है, यूनिट वेक्टर्स रहते हैं। पर क्योंकि ये वेक्टर ना एक्स में ना वाई में ऐसा नहीं है, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा मुझे मालूम नहीं है, है ना। वैल्यू तो वन होगी, पर मैं इमेजिन कर लेता हूँ अपने मन में कि अगर कोई यूनिट वेक्टर इस तरफ इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज रिटन बाय आर टू वन कैप, फिर कहूंगा इसका नाम कुछ भी रख दे, आई कैप, जे कैप, के कैप मत रखें, कुछ भी रख दे, आर वन कैप, कुछ भी। कैप लगाए तो मैग्नीट्यूड तो वन होगा, डायरेक्शन के लिए मैंने एरो यहाँ बना दिया, यानी कि इसकी डायरेक्शन सेम है, अपने मन से बना दिया। ऐसी एफ टू वन, एफ वन टू वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर के आर वन टू कैप, कुछ भी। अब इससे क्या होगा, जहाँ एफ टू वन वेक्टर है उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वन कैप, और वन टू वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वन टू कैप। ये देखो, तो अगर मैं वन टू वेक्टर पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो ऊपर निकाला, डायरेक्शन में एफ वन टू वैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वन टू कैप और टू वन वैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वन कैप। तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें आ गई। अब एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। जब डिवाइड करोगे सब कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा, इसके अंदर आर वन टू कैप, आर टू वन कैप का मैग्नीट्यूड तो वन है, डायरेक्शन में ही फर्क है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन क्या आएगा इनमें, माइनस। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस वन आएगा, तो क्या आएगा, एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन वेक्टर। तो ये प्रूफ है कि कूलम की फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में इनफॉर्मली मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर 10 न्यूटन फोर्स ही लगाता है, ये इसका प्रूफ है। ये प्रूफ सीबीएसई में मैंने आता देखा नहीं, कंपटीशन में तो क्या ही आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल कैसा आएगा, उसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर से एक बार सेम चीज़ लिखते हैं, एफ वन टू वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सेम डायग्राम फिर से बनाता हूँ, क्यू वन क्यू टू आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर पोजिशन वेक्टर था। इमेजिन करो एक इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर वन टू वेक्टर, मतलब एक नया नाम दिया इस वेक्टर का, नाम आर वन टू वेक्टर है। और अगर आप ट्राइंगल लॉ इसमें लगाएं तो ये साइड और ये साइड कॉन्टिन्यूस है और ये क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट है, आर वन वेक्टर रिजल्टेंट है आर टू वेक्टर का, आर वन टू वेक्टर का। तो आर वन टू वेक्टर क्या आया, आर वन वेक्टर माइनस
आर टू वैक्टर। आप अगर ये ना करना चाहे तो मत करें, कई लोगों को वेक्टर से डायरेक्टली याद होता है, आर वन टू वैक्टर इज आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं, इसके अंदर फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये रेशियो आ गई। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो ऊपर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर, नाम जो मर्जी दे दो, लेकिन क्यू वन क्यू टू में जो मैग्नीट्यूड है वो तो आर ही आएगा, तो आप इसकी जगह आर लिख सकते हैं, मॉड है ये, मीन्स अ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसकी जगह आर लिखेंगे, आर इंटू आर स्क्वायर क्या बनेगा, आर का क्यू, तो आर वन टू वैक्टर की जगह क्या लिखेंगे, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, ये रिप्लेस कर दिया। आर की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसका मॉड लूं, दोनों तरफ का मॉड ये लो, ये मैंने मॉड लिया, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था आर, तो आर की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, ये भी आर है, मॉड इज आर, तो चेक करो जहां आर क्यूब है वहां मैंने मॉड ऑफ आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का क्यूब लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है ये सुन लो, फॉर्मूला रजिस्टर में दो फॉर्मूला नोट करने हैं, वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन कैसे आएगा इसको समझते हैं, पहले फॉर्मूला लिखना कैसे ये देख लो, ये ट्रिक है, ध्यान से देखना, एफ वन टू वेक्टर इज वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू। स्टूडेंट भूल जाता है न्यूमेरिकल में आना, न्यूमेरिकली ऑब्जेक्टिव कि पहला आर वन वेक्टर था कि आर टू वेक्टर था, ये ध्यान से देखना, वन टू वन टू वन टू, ऐसी एफ टू वन वेक्टर में टू वन टू वन, ये दोनों फॉर्मूलाज को फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, दोनों फॉर्मूलाज फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा, थ्योरी में मेरे को डाउट है, सीधा ऑब्जेक्टिव में वो आपसे वेक्टर फॉर्म ऑब्जेक्टिव में मार्क करवाएगा कैसे, अभी करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन एक आपने करना है, तो देखो जरा ये दोनों फॉर्मूलाज को नोट करें, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है एफ वन टू वेक्टर और एफ टू वन वेक्टर। ठीक है, दोनों फॉर्मूला देख लिए, अब न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, देखो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा Q1 Q2 देगा, आपको पोजीशन ऑफ Q1 देगा कोऑर्डिनेट्स में, आप अपने मन में R1 वेक्टर को क्या लिखेंगे, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, ये R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर क्या लिखेंगे, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, बन गया। क्या निकालना है, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर का फॉर्मूला लिखें, इसके अंदर 9 इंटू 10 की पावर 9 चार्जेस दोनों गिवन है, r1 वेक्टर की जगह r1 वेक्टर, r2 वेक्टर की जगह r2 वेक्टर, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, फर्क ये है कि i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ सब्ट्रैक्ट करें, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगी, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, i कैप j कैप k कैप में ही आंसर आएगा। जो मैग्नीट्यूड है मॉड लगा हुआ है, वेक्टर का रिजल्ट है, मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का, तो अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर और वन स्क्वायर का क्यूब, तो सॉल्व करके ये आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। तो मेथड समझ में आ रहा है, मतलब वो जो हमने थ्योरी की आप उसको याद करके चले जाएं तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पर आपको ऑब्जेक्टिव वेक्टर फॉर्म में आ जाएं, जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, F21 वेक्टर लिखना है, F21 वेक्टर को इसके अंदर पहले फॉर्मूला लिखें, F21 वेक्टर क्या है, तो F ऑफ 21 वेक्टर को लिखें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू वन इंटू क्यू टू आर ऑफ टू वन वेक्टर आर ऑफ वन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर टू वेक्टर आर वन वेक्टर का क्यूब। वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज पुट करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ क्यू वन क्यू टू आपको गिवन है 2 और 4 आर वन वेक्टर की जगह आर वन वेक्टर यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप + 3k कैप ये स्टेप क्लियर है आई कैप जे कैप के कैप और आर टू वेक्टर की जगह माइनस आर टू वेक्टर विल बी उल्टा लिख दिया मैंने इसमें क्योंकि पहले आर टू वेक्टर है फिर आर वन वेक्टर है तो चेंज कर रहा हूं मैं तो आर टू वेक्टर ये रहा 4i कैप + 3j कैप + k कैप माइनस आर वन वेक्टर इज आई कैप 2j कैप + 3k कैप ये बनेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मॉड लगाना है 4i कैप + 3j कैप + k कैप इसको ओपन करते हैं −i कैप − 2j कैप − 3k कैप का मॉड का क्यूब। समझ में आ रहा है यहां तक? वैल्यूज पुट कर दी r2 वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r1 वेक्टर क्लियर है? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही आएगा 9 × 10⁻⁹ × 2 × 4 न्यूमिनेटर ऐसे ही आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3i कैप, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3j कैप − 2j कैप इज जस्ट j कैप, k कैप को k कैप माइनस करेंगे तो −2k कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो सेम चीज आएगी लेकिन मॉड में आएगी 3i कैप j कैप 2k कैप का मॉड का क्यूब। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है ना? यहां तक तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ये रहा, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस यहां पे एक सेकेंड 4i कैप और i कैप सही है 3i कैप 3j कैप 2j कैप इज j कैप प्लस j कैप आएगा, राइट? ठीक है, तो यहां पर इसका मॉड निकलेगा, इसका मॉड क्या आएगा डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + −2 का स्क्वायर का क्यूब। इसको सॉल्व करके ये लिख लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिव आता है वेक्टर फॉर्म में तो कैसे करना है, क्लियर है? तो इस दो फॉर्मूलाज याद करने आपका काम चल जाएगा, दो फॉर्मूलाज से। ठीक,